भारत नेपाल सीमा के जनपद बहराइच के रुपई हीड़ा में 220 करोड़ की लागत से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का आज भारत एवं नेपाल दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक साथ उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने संयुक्त रूप से रिमोट का बटन दबाकर इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया। उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा चेक पोस्ट है जहाँ से बड़े मालवाहक वाहन बिना किसी रुकावट के दोनों देशों की ओर जा सकेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत होंगे। चेक पोस्ट के उद्घाटन के समय वाहनों को हरी झंडी दिखाने पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। मैं तो बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है कि उधर भी हिंदू राष्ट्र, इधर भी हिंदू राष्ट्र, दो संस्कृतियों का मिलन का केंद्र था। और जो भी ट्रक लेके जाते थे, मालिक हों चाहे उसके ड्राइवर हों, हमारे ईश्वर स्वरूप दूसरे हैं, वो हमारे जनता जनार्दन है जो ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, उनके दर्द को समझा, इंटीग्रेटेड किया, अधिकारी परेशान न करें, समय सीमा के अंदर माल पहुँचे, विकास हो और समस्याओं के समाधान हो। और आज ऐतिहासिक पल है। यही तो कहते हैं कि इस देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये कैसे प्रधानमंत्री दुनिया में हैं जो पूरी दुनिया के सुख के बारे में सोचते हैं और दुनिया के विकास के बारे में सोचते हैं। और वो पहला जीता जागता हूँ आपके सामने है कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद दूंगा, सांसद और विधायक हैं, इन लोगों ने प्रयास करके पहला इस यूपी में पहला जो हमारा लाइन पोर्ट है, ये और सौभाग्यशाली हैं उपेंदिहा के लोग। और इस बहराइच का मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आज ऐतिहासिक क्षण है, जो एक केंद्र से एक बहुत बड़ी योजना जो दोनों देशों के मिलन है। और आराम से ट्रक आएंगे जाएंगे, इंटीग्रेटेड होगा और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का लाभ और सभी लोगों को मिलना चाहिए, जिसके लिए आज बधाई देता हूँ अपनी सरकार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।